Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue The Secret of Us, episode 5, last part. फिल तो एक शॉपिंग मॉल दिखाई जाती है और वहाँ की एक जापानीज रेस्टोरेंट में डॉक्टर फालाडे की दो क्लोज फ्रेंड बैठी हुई थी और फा के लिए वेट कर रही थी। डॉक्टर फा जब आ जाती है तो डॉक्टर तन आस्क करता है, तुम इस शॉपिंग मॉल पर क्यों आए? तुम्हें तो शॉपिंग मॉल पर आना पसंद नहीं है, तो इस प्लेस को चूज करने की क्या मतलब है? फा कहती है कस उसे सुशी खाना था। डॉक्टर बो कहते हैं झूठ, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। ओके छोड़ो इस बात को, क्या तुमने आन से पूछा कि उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों की? डॉक्टर फा कहती है नहीं, अभी तक तो नहीं। डॉक्टर बो आस कहती है क्यों, तो तुम्हें जानना नहीं है? अब वो तुम्हारे लाइफ में वापस आ रही है, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? डॉक्टर फा कहती है नहीं, अब मैं पूछना छोड़ चुकी हूँ, काज अगर मैं उसे जितना पूछूंगी मैं उतना ही हर्ट होते जाऊंगी, तो बेटर देन जो जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, उसके बारे में ना ही जानते हैं। ओह लाडा, काश कि मैं तुम्हारी तरह होता, तो चीज़ों को लेकर इतने नहीं सोचते और आज मेरी लाइफ में मेरी एक्स वापस आ जाती। डॉक्टर तन कहता है हे कम ऑन, तुम्हारे बारे में छोड़ो, डॉक्टर फा के बारे में जानते हैं। डॉक्टर बो कहती है तो लाडा अगेन स्टार्ट करते हैं। वो कहती है कि वो खुद से आन को ये आस्क नहीं करेगी कि उसने ब्रेकअप क्यों की। लड़ा चाहती है कि आन खुद से ही कहे कि रीज़न क्या है, वैसे भी उसके पास उसके न्यू बॉयफ्रेंड की कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़ा नहीं जाना चाहती है, पर इन दिनों वो आन की रूम में जा रही है और उसके बेडरूम में स्टिल उन दोनों की वो मेमोरीज, वो सारे फ़ोटोज़, वो सारे चीज़ें अभी भी मौजूद है। इसका मतलब लव अभी भी सेम ही है, और अगर मैं उसे बोलने के लिए फोर्स भी करूँ तो वो मुझे नहीं बताएगी रीज़न क्या है। देखने में तो वो सीधी सादी है, पर है वो बहुत स्टबन। डॉक्टर बो कहती है क्या पता वो बस तुम्हारे साथ स्टबन है। डॉक्टर फा एम्बैरेसिंग फील करती है। डॉक्टर बो अगेन कहती है फिर मुझे लगता है उसकी ब्रेकअप करने के पीछे दो रीज़न हैं, या तो उसकी फैमिली इस चीज़ से हैप्पी नहीं थी, या फिर तुम्हारी फैमिली ने उसके साथ कुछ तो किया है। डॉक्टर बो के इस बात पर वहाँ की प्लेस एकदम साइलेंस हो जाती है। डॉक्टर फा अपनी चॉपस्टिक को नीचे रख देती है और उसकी ओर देखती है। बट क्या सच है, तुम ये बोल रहे हो कि किसी ने आर्न को फोर्स किया ब्रेकअप करने के लिए? डॉक्टर फा कहती है। डॉक्टर बो कहती है यस ऑफ कोर्स, नहीं तो उसके साथ तुम्हारे ब्रेकअप होने की क्या रीज़न है? उसने जैसे ही तुमसे ब्रेकअप की वो वापस थाईलैंड आ गई। लड़ा कहती है नो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ओवरथिंकिंग कर रहे हो। डॉक्टर बो कहती है ओके अगर ये सच नहीं है तो सब कुछ ख़त्म हो जाए, उससे पहले तुम जाकर उससे सच जानने की कोशिश करो। तो अपनी फ्रेंड की सजेशन पर डॉक्टर फा आर्न को एक ब्रांड शॉप पर मिलने के लिए बुलाती है। कुछ टाइम बाद एक ब्यूटीफुल फेस के साथ एक क्रीम कलर ड्रेस पहनकर आर्न की एंट्री होती है। डॉक्टर क्या आप मेरे लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे? आर्न स्माइल के साथ ये आस्क करती है क्या आपने कुछ खाया या फिर पहले हम शॉपिंग करेंगे? आर्न आस्क करती है। डॉक्टर फा एकदम साइलेंटली बस आर्न को देख रही थी। वो जैसे ही उसकी आंखों में देखती है वो बहुत इमोशनल हो जाती है। डॉक्टर मैं आपको बहुत टाइम से बुला रही हूँ, कहाँ खोए हुए हो आप? क्या हम आज शॉपिंग करेंगे? क्या अमाउंट की कोई लिमिट है? डॉक्टर फा कहते हैं नो, आज अनलिमिटेड। आर यू श्योर? आर्न कहते हैं। तो वो आर्न को लेकर ब्रांड क्लॉथ साइट पर जाती है। आर्न कहती है डॉक्टर क्या आपको डर नहीं लग रही है अगर आपकी फ्रेंड्स हम दोनों को यहाँ पर देख लेती है तो? बट उसी टाइम आर्न की मैनेजर सुशी आ जाती है। वो आकर दोनों को एक साथ देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है। डॉक्टर एंजेल और आर्न एक साथ शॉपिंग मॉल पर। फिर आर्न जब शॉपिंग में बिजी होती है तो सुशी उसे कहती है आप दोनों के बीच ब्रेकअप की क्या रीज़न है मैं नहीं जानती हूँ, पर
क्या आपने आर्न को माफ़ कर दिया और अगेन आप दोनों रिलेशनशिप पे हो? डॉक्टर फा कोई आंसर नहीं देती है। अगले सीन में आर्न जब चली जाती है तो फा कहती है, चलो हम कुछ खाते हैं। टेबल पर बैठे डॉक्टर फा कहते हैं, आर्न मैं बहुत हंग्री हूँ, तो मुझे खिला सकते हो? आर्न स्माइल करती है। सुसी सोचती है, अच्छा दैट्स व्हाई आर्न उन्हें इतनी लव करती है। डॉक्टर फा की एक अलग क्यूट साइड भी है। आर्न कहती है, डॉक्टर वैसे तो आप किसी के लिए वेटिंग लिस्ट पर नहीं होते हो, पर जब बात मेरी आती है तभी आपके हाथ में बहुत टाइम होती है ना। आर्न अगर तुम सच में डॉक्टर फा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो एटलीस्ट एक बार मेरी ओर देखो, मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ विदाउट पार्टनर। सुसी कहती है, डॉक्टर फा आर्न को कुछ आस्क करे उससे पहले ही उसकी मॉम की बहुत सारी कॉल आती है, तो डॉक्टर फा को जल्दी जल्दी में वहाँ से जाना पड़ता है। अगले सीन में जब डॉक्टर फा अपनी मेंशन वापस आती है तभी उसके सामने उसकी मॉम आ जाती है। हनी क्या तुम वापस आ गए? डॉक्टर फा कहती है, यस मॉम, तुम मेरी कॉल नहीं उठाए। फा कहती है, आई एम सॉरी मॉम, आज बहुत काम थी। ओके तो तुम्हारी शूटिंग कैसी थी? आज लास्ट सीन थी ना? फा कहती है, आज लास्ट सीन थी। उसकी मॉम आस्क करती है, तो उस प्रेजेंटर के साथ तुम्हारी सब कुछ ठीक है जिसको तुमने पहले रिफ्यूज़ की थी? फा कहती है, नो शी इज़ नाइस, हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे। एक दूसरे को जानने लगे? उसकी मॉम आस्क करती है, यस मॉम, मैं आर्न को जानने लगी हूँ। फा कहती है, आर्न, उसकी नेम आर्न है? लाडा मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों एक दूसरे को पर्सनली जानते हो। फा कहती है, नहीं मॉम, मैं आर्न को जानती हूँ बहुत पहले से, जब मैं अब्रॉड पर स्टडी कर रही थी। ओके अगर तुम उसे जानते हो तो उसे पहले रिजेक्ट क्यों की थी? उसकी मॉम आस्क करती है। फा कहती है, वेल बिकॉज उस टाइम पे हमारे बीच कुछ आर्गुमेंट हुई थी इसीलिए। वेल मॉम अगर आपकी हो चुकी है तो क्या मैं अपने बेडरूम में जाऊँ? उसकी मॉम नोट करती है तो वो चली जाती है, पर अगले ही सीन में वो अपनी मॉम के रूम में अगेन वापस आती है। उसकी मॉम इतनी रात को लड़का को देखकर थोड़ी सरप्राइज होती है, कॉज उसने बाहर जाने की क्लॉथ पहनी थी, नाइट ड्रेस तो नहीं पहनी थी। लाडा क्या तुम आज रात भी घर पे नहीं रुकने वाले हो? फा कहती है, नहीं उसे एक बिजनेस को अटेंड करने जाना है। उसकी मॉम कहती है, फिर तुम्हारी डैड ने कहा कि तुम कहीं घूमने के लिए जा रहे हो? फा कहती है, यस वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही है, टिकट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी है। ओके तो तुम कहाँ जा रहे हो? उसकी मॉम आस्क करती है। फा कहती है, इटाली। वेल अब डॉक्टर फा और आर्न कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ चुकी है, तो सुसी ने एडवाइस की थी कि इस टाइम पे वो दोनों ज़्यादा क्लोज ना रहे, क्योंकि अगर उन दोनों की कोई भी पिक्चर लीक हो जाएगी तो अगेन उन दोनों को अपनी रिलेशनशिप ठीक करने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी मॉम कहती है, क्या तुम मुझे एक प्रॉमिस कर सकते हो? फा कहती है, क्या प्रॉमिस मॉम? उसकी मॉम कहती है, मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो जाए। फा अपने मॉम की बातों को समझती है। फिल मॉम ऐसा कभी नहीं होगा, जब से मैं छोटी थी तब से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमारी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो। दैट्स राइट माई चाइल्ड, आई वॉन्ट माई ब्यूटिफुल डॉटर टू बी अ परफेक्ट वुमन, प्रॉमिस मी। आई प्रॉमिस मॉम, फा कहती है। अगले सीन में शूट की सीन दिखा जाती है, सब लोग शूटिंग के लिए बिजी थे। आर्न सुसी से आस्क करती है, क्या तुमने टिकट्स के अरेंज की? सुसी कहती है, हाँ ऑलरेडी उसने टिकट बाय कर ली, पर वो चाहती है कि आर्न थोड़ी और भी ज़्यादा केयरफुल रहे। ओके अब जल्दी जल्दी तुम तुम्हारी शूट कंप्लीट करो ताकि हम वहाँ जा सके। आर्न कहती है, वहाँ वहाँ कहाँ? सुसी कहती है,
डॉक्टर फा ने हमें इनवाइट किया है किंग हॉस्पिटल पर एक पार्टी है। वैसे मैं भी नहीं जानती हूँ, पर उन्होंने अभी अभी मुझे इन्फॉर्म की। तभी वो नोटिस करती है आर्न की फ़ोन, जहाँ पे डॉक्टर फा की कॉल आती है। सुसी जल्दी से उस फ़ोन को ग्रैब करती है। नहीं, इस टाइम पर बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें उनके साथ बात नहीं करने दूँगी, नहीं तो तुम्हारी कंप्लेन चालू हो जाएगी। डॉक्टर माई लेग इज़ हर्ट, डॉक्टर माई बैक इज़ हर्ट, सुसी उसे तेज करती है। अगले सीन में पार्टी दिखा जाती है जो गैस्ट्रो पाप पर थी और उसे अरेंज किया है एसटी किंग हॉस्पिटल की डायरेक्टर ने। उन्होंने एक पब को रेंट पर लिया है। एक्चुअल में ये पार्टी थी डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की सक्सेस के लिए। यहाँ हॉस्पिटल की डायरेक्टर, मैनेजर, डॉक्टर फा की कुछ फैमिली मेम्बर्स और शूटिंग के कुछ लोग भी मौजूद था। एंड फाइनली एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार पर एक एलिगेंट ब्यूटीफुल वुमेन की एंट्री होती है, जो वहाँ पर मौजूद सारे लोगों की अटेंशन छीन लेती है। उसकी नेम है इंथिरा इंथरानंद, द डॉटर ऑफ वेल्दी फैमिली इन द इंथरानंद ग्रुप। वो एक राइजिंग स्टार है, पर बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल है। वो डॉक्टर फा की एक फैमिली मेम्बर है। वो आकर डॉक्टर फा से हेलो कहती है। फिर वो दोनों और फा की कुछ और फैमिलीज ड्रिंक करने में बिजी हो जाती है। डॉक्टर फा, जो कि ऑलवेज जब भी ड्रिंक करती है काफ़ी ज़्यादा ही पी लेती है, और उसके आसपास जो भी उसकी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स थी, वो लोग या तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था या फिर अपनी बॉयफ्रेंड के साथ थी। तो यहाँ पे डॉक्टर फा इतनी ड्रंक होकर जब वो सब कुछ देखती है तो उसे काफ़ी इरिटेट महसूस होती है, और जब भी डॉक्टर बो उसे संभालने के लिए आती है तो वो उसे हक कर लेती है और उसकी चिक्स पर किस करने लगती है। डॉक्टर बो थोड़ी परेशान हो जाती है, पर वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है, बिकॉज वो जानती है डॉक्टर फा जब भी ड्रंक हो जाती है वो एकदम अलग बिहेव करती है। डॉक्टर फा, आप काफ़ी ड्रंक हो, चलो मैं आपको नीचे तक छोड़ देती हूँ, आपको अभी घर चले जाना चाहिए। पर डॉक्टर फा जाने के लिए रेडी नहीं थी, पर डॉक्टर बो उसे फोर्स करते हुए नीचे पार्किंग एरिया पर लेकर आती है, और वहीं पर उसे आर्न के साथ मुलाकात हो जाती है। आर्न वो अकेली खड़ी थी। डॉक्टर फा उसके पास आती है। तुम ये अकेली क्या कर रही हो, तुम्हारी मैनेजर कहाँ है? पर आर्न उसके क्वेश्चन के आंसर नहीं देती है। आपके साथ ये पर्सन कौन है? डॉक्टर फा डॉक्टर बो की ओर देख कर स्माइल करती है। आपने मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, आपने कितने सारे ग्लासेस पी है? आर्न को देख कर ही लग रही थी कि वो बहुत जेलस है, और जब भी वो नोटिस करती है कि डॉक्टर फा उस पर्सन के हाथ को होल्ड करके रखी है, तब तो वो और भी ज़्यादा जेलसी में आ जाती है। यू आर जेलस राइट? डॉक्टर फा स्माइल करते हुए आस्क करती है। तुम्हें काफ़ी मज़ा आता है ना मुझे टीज करने में? आर्न कहती है, अगर मैं आपको टीज नहीं करूँगी तो कौन आपसे टीज करेगी? तो क्या आप, मैं जान सकती हूँ ये कौन है जो आपके साथ आई है? डॉक्टर फा कहते हैं, ये तो मेरी फ्रेंड है डॉक्टर बो। आर्न कहती है, आई नो, पर मैं दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानना चाहती हूँ। डॉक्टर, क्या आप ड्रंक हो? आर्न कहती है, नो आई एम नॉट ड्रंक, अगर मैं ड्रंक होती तो मैं यहाँ तक चल के नहीं आ सकती। ये आपकी फ्रेंड नहीं है, ये कोई और है ना? आर्न आस्क कहती है। फा कहती है, हे तो मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? ये सच में मेरी फ्रेंड है। लिसन, अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रही है तो तुम मुझे पूछो ही मत, मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बन सकती। ये कहते ही फा वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर आई एम सॉरी, आर्न पीछे से कहते हैं, बट इस टाइम पे आर्न उन्हें नहीं रोक सकती, बिकॉज समटाइम्स पास्ट उन दोनों के बीच डिस्टेंस कर देती है। ओके, तो एपिसोड 5 यहीं पर एंड होती है। सी यू सून इन एपिसोड 6। बाय।